राजधानी शिमला में हुई मूसलाधार बारिश से फिर से चक्कर रोड पर भूस्खलन हुआ। वहीं लैंडस्लाइड के बाद अब वहां के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। शिमला में हुई बारिश से जगह जगह पर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। हम मौजूद है क्रॉसिंग के पास, जो कि चक्कर क्रॉसिंग से लगभग 300 मीटर ऊपर है, जहां पर पिछले सप्ताह लैंडस्लाइड हुआ था, आज फिर लैंडस्लाइड हुआ। बता देना चाहते हैं कि यहां पर जो भवन निर्माण कार्य हो रहा था, ऐसे में यहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। सबसे अच्छी बात यह है कि खासकर जिस तरीके से जो MLA क्रॉसिंग में भी 15 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, ऐसे में वहाँ पर जो सड़कों की आवाजाही है 2 दिन पूर्व खोल दी है, जिसके चलते अब लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो बालूगंज से लेकर अगर हम चौड़ा मैदान की बात करें, तो वो सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो पेड़ गिरा है, साथ यहाँ पर भारी मलबा। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से यहाँ पर जो अत्यधिक जो लैंडस्लाइड हुआ, आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो पूरी तरह से यहाँ पर गिर चुका है, और कहीं ना तो कहीं जो समस्या लोगों को उत्पन्न हुई है। वही जो मौसम विभाग की जो निदेशक खासकर कुलदीप श्रीवास्तव ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि 6 दिनों तक खासकर जो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर सभी जो जिला है वहां पर जो मूसलाधार वर्षा होगी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित है, और जिस तरीके से यहां पर जो तरपाली लगाई गई है, अभी भी ऊपर देख सकते हैं आप कि विशाल जो यहाँ पर जो पत्थर है वो कभी भी गिर सकता है। मिट्टी भी धीरे धीरे खिसक रही है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे, सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर किया जाए, ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे, जहाँ पर जो अत्यधिक जो लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से इंडिया न्यूज़।